यूपी के कौशाम्बी जिले में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को थाना कड़ाधाम और साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया एक युवक पीड़ित के गांव का ही है, जबकि दूसरा युवक सिरातू कस्बे का रहने वाला है। इन दोनों शातिर युवकों ने पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति पंकज मोरे के मोबाइल नंबर की सिम को पोर्ट कराकर बैंक अकाउंट से अलग अलग खातों में 2,23,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस और साइबर सेल टीम ने मामले का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने खातों में ट्रांसफर किए गए 1,66,000 बरामद कर लिया। एएसपी अशोक कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिव्यांग युवक के खाते से 2,23,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के मामले का खुलासा किया गया है। दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,66,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अनावरण किया गया है और क्या बरामद किया है? थाना कड़ाधाम के एक व्यक्ति से के खाते से लगभग 2,23,000 रुपये निकाल लिए गए थे और यह प्रक्रिया स्थानीय व्यक्ति द्वारा मोबाइल सिम को पोर्ट करके किया गया था। इस पर कौशाम्बी की साइबर सेल ने इस पर काम किया और लगभग 1,67,000 रुपये रिकवरी हो गया है और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें वेश में प्रस्तुत है।